एक काम भी ज़रूर करो, ज़रूर करो। हम अपने यहाँ आजकल देखते हैं मदरसे के पिछवाड़े जो पानी बह रहा है, ऐसे ऐसे परिंदे देखने में आते हैं जो कभी नहीं देखे। इसमें सोच रहे थे कि क्या वजह है, इस परिंदे को कभी नहीं देखा, इतने खूबसूरत परिंदे। तो अचानक एक आदमी ने आके कहा कि दुआ कीजिए बारिश के लिए, हमारे जानवर पानी नहीं पी पा रहे, पानी नहीं मिलता, जानवर प्यास से रह गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में फरमाया था कि अल्लाह मस्क इबादत, अल्लाह अपने बंदों को पानी दे दे और अल्लाह जानवरों को पानी दे दे, अल्लाह जानवरों को पिला दे। तो ये जवाब था जो सवाल हम सोच रहे थे कि परिंदे क्यों आ रहे हैं, तो उससे आके आदमी ने जवाब दिया, उसने बस कुदरती तौर पे मिल गया। आप जब जाएं तो कोई बर्तन लेके ना अपने घर की छत पे पानी से भर के रख दीजिए, कोई परिंदा पिएगा कोई, और इन परिंदों और जानवरों की दुआ से इंसान की तकदीर बदल जाती है। इसकी शरह और तफसील का मौका नहीं है, लेकिन यकीन मानो इन जानवरों की दुआ से अल्लाह इंसानों की तकदीर बदल देता है। तजर्बा करके देख लेना, किसी मुश्किल में फंस जाओ ना तो जानवरों को खाना खिलाओ, देखो कैसे हल होती है। जिस दिन भी हो जानवरों को खिलाना चाहिए। हदीस में आया है मिश्कात में, एक मिसाल उसकी देते हैं। बारिश नहीं हो रही थी, कहत पड़ गया। हमारे यहाँ तो दो साल बारिश कभी कभी होती है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में 7 साल बारिश नहीं हुई। आदमी अब सोचें 7 साल किसी इलाके में बारिश ना हो, लोगों ने किया क्या होगा और ज़िंदगी कैसे गुजरी होगी। सबा सिनीन, उन्होंने कहा 7 साल आएंगे तुम पे बड़े मुश्किल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश रुक गई, तो हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिन्नात और इंसान तंग आ गए पानी नहीं रहा, उनका हज़रत चलें नमाज पढ़ा दें, अल्लाह से दुआ मांगें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलां वक्त चलेंगे, तो जिन्नात और इंसान चल पड़े और जम्मे गफ़ीर था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उनकी सल्तनत कोई छोटी सी थी। अल्लाह ने कहा हमने सुलेमान को दुनिया में इख्तियार दिया और हमने से कहा फम नुन औ अम सिक, ये सोना और चांदी और धातें और सब चीज़ें तुम्हारी इख्तियार में देते हैं, फम नुन एहसान कर, लोगों में लुटा दे, लोगों में बांट दे, लोगों की मदद कर, औ अम सिक और अपने पास संभाल के रख ले, एक पाई और पैनी लोगों को ना दे, बगैर हिसाब हम कोई हिसाब नहीं लेंगे तुमसे। ऐसी बादशाहत किसको मिलती है। तो फिर वो थोड़ा सा चले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पलटे और हंसे और उन्होंने कहा बारिश हो जाएगी। लोगों ने पूछा कि हज़रत ये क्या हुआ, इतना जम्मे गफीर सब तैयार हुए और अपने नमाज नहीं पढ़ाई। उन्होंने कहा हम जा रहे थे और मैंने एक चींटी को देखा, वो बिल से निकली और उसने अपने दोनों हाथ उठाए, आगे वाले जो दो उसके पांव जिसे या हाथ उसने उठाए और उससे कहा ऐ रब इंसान गुनाह करते हैं और उनकी वजह से बारिशें रुक जाती हैं और अल्लाह बारिशें नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और हम ज़मीन के अंदर जलना शुरू हो गई हैं, अल्लाह बारिश दे दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने फरिश्तों से कि चींटी से कहो बारिश होगी, मैं ये सुन रहा था सारी बातें, फ़कत सुकी तुम ले गैरिकुम, मुझे पता चल गया कि लोगों जानवरों के सदक़े अल्लाह तुम्हें भी पिलाएगा। ये दलील है इस बात की कि जानवरों के साथ जो नेकी करता है ना अल्लाह उस आदमी की तकदीर बदल देता है। तो इसलिए घर जाएं तो छत पे पानी कोई प्याला कोई चीज़ भर के रख दें, आपको पता भी नहीं होगा किसने पिया है किसने नहीं पिया, लेकिन ऐन मुमकिन है कि उस जानवर की दुआ लग जाए और आदमी कुछ से कुछ हो जाए। सुबुक्तगीन कहते थे, ये तो हदीस है पक्की बात है ना,
अगली बात ज़रा कच्ची सी, आप माने तो क्या और ना माने तो क्या। सबुक्तगीन से किसी ने पूछा कि इतनी बड़ी हुकूमत, तो उसने कहा कि मुझे अपने बेटे महमूद के मुतल्लिक तवक्को है कि उसकी हुकूमत मुझसे भी बड़ी होगी। सुल्तान महमूद गजनवी जब पैदा हुए ना, तो जो इल्म नजूम के माहिर थे उन्होंने आके सबुक्तगीन को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा सबुक्तगीन, हज़रत रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तारीख में, इंसानी तारीख में ये पहला बच्चा तुम्हारा पैदा हुआ है जिसके मुकद्दर के सितारे ठीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सितारों के साथ मिल गए, और इससे खुदा इतना बड़ा कोई काम लेगा जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुदा ने काम किया। ये जितना बर्रे सगीर आपको नज़र आता है ना, ये सब सुल्तान महमूद के हमलों के नतीजे में, ये जितना आपको आपको करामता, करामता ने 13 साल हुकूमत की है। बैतुल्ला से हजर अस्वद उखाड़ के ले गए यार, बैतुल्ला को तबाह कर दिया उन्होंने, बर्बाद कर दिया। खिलाफत इस्लामिया में दम नहीं था कि करामता को कुछ कर सके। नतीजा ये कि उन्होंने गजनी खत लिखा महमूद रहमतुल्लाह अलैह को, यमीनुद्दौला कहलाते थे, यमीनुद्दौला को ख़त लिखा कि हम मुल्तान की बगावत से आजिज़ आ गए, इन मुल्तानियों का इलाज करो। तो वहाँ से चले फिर सुल्तान महमूद और आके उसने जो मुल्तान में कत्ले आम किया, उससे कहा तुम्हारी ये हिम्मत पड़ने लगी है कि जाके बैतुल्ला को छेड़ते हो और शायर को मिटाते हो। ये सब सुल्तान महमूद के बिल्कुल मामूली कारनामे हैं, बाकी जो काम उसने किए हैं उनके तो कहने ही क्या। सबुक्तगीन कहते थे कि मैंने एक मरतबा, फौजी अफसर थे ना, कहने के शिकार के दौरान एक जगह मुझे हिरन नज़र आई और एक हिरनी का बच्चा इतना प्यारा था कि मैंने पहले चाहा कि तीर चलाऊं, फिर मैंने उसे दौड़ाया और जाकर पकड़ लिया और पकड़ के अपने घोड़े पे डाल के मैं चल पड़ा। तो दूर तक वो हिरनी भागती हुई आई, मुझे बार बार देखती थी, फिर सर झुकाती थी, फिर देखती थी। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया हूं, ये क्या कर रही है। फिर मुझे ख्याल आया कि ये अपने बच्चे की वजह से परेशान है। तो मैंने अपने दिल को समझाया कि और ज़िंदगी में बतेरी चीज़ें हैं खुशियों के लिए, हिरनी के बच्चे को क्या करना है। तो मैंने इसे छोड़ दिया। फिर मैंने देखा वो इतनी खुश हुई, अपने बच्चे को चाटने लगी और जब पलटी है तो बार बार मुझे देखती थी। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि उसकी दुआएँ मेरे हक में कबूल हुई। हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे एक परिंदा होता है नुगैर, ये चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा, उसकी सुर्ख चोंच होती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे आके वो घूमने लगी, उड़ती थी घूमती थी। आपने फरमाया क्या बात है, तुम में से किसी ने इसके बच्चे ले लिए हैं। तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह अपनी चादर खोली और उनका अल्लाह के रसूल में गया था घोंसले में इसके, वैसे ही शिकार पे तो उन्हें मैंने रख लिया। तो आपने मैं छोड़ दो इन्हें, देखते नहीं हो इसकी माँ को कैसी बेकरारी। उन्होंने बच्चों को वापस कर दिया, छोड़ दिया और चली गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अरहम बेबादे, ये जितनी माँ की बेकरारी है ना, अल्लाह इससे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। उसे भी बड़ी बेकरारी होती है जब कोई उसका बंदा जहन्नम की तरफ चलता है, ये मुराद है वहाँ कि अल्लाह को बड़ी बेकरारी होती। इसीलिए तो अल्लाह बड़ा खुश होता है उन इंसानों से जो लोगों को खैर की दावत देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिमुल खैर, लोगों हमेशा खैर की तालीम देना।